नमस्कार दगड़ियों, प्रेम प्रसंगों के चलते जिस तरह से लगातार हमारे उत्तराखंड में महिलाओं की, युवतियों की, हमारी नौनियों की निर्मम तरीके से हत्याएं की जा रही हैं, उसने हमारी देवभूमि को शर्मसार करके रख दिया है। ताजा मामला रायपुर क्षेत्र का है, जहां कल ही एक युवती का शव बरामद किया गया। बहुत ही बेरहमी के साथ सर पे वार करके उस युवती की, उस महिला की हत्या की गई थी। हालांकि इसमें अच्छी बात ये रही कि 24 घंटे के अंदर हमारी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले का खुलासा कर दिया और आरोपी को पकड़ लिया गया। लेकिन एक शादीशुदा इंसान के प्यार में फंसकर जिस तरह से इस महिला ने, इस युवती ने अपनी जान दी है, वो सभी के लिए एक सबक है कि इस तरह के प्रेम प्रसंगों से दूर रहकर पहले अपनी जान बचाई जाए। हम बात करते हैं इस ताज़ा मामले की। तो लेफ्टिनेंट कर्नल पश्चिम बंगाल में जब ये तैनात थे, तो एक नेपाली मूल की महिला से इनको प्यार हो जाता है और ये लोग हस्बैंड वाइफ की तरह वहाँ रहने लगते हैं। इन जनाब की तैनाती उत्तराखंड यानी कि देहरादून में हो जाती है, तो ये उस महिला को भी यहाँ लेकर आ जाता है अपने साथ और ये रहने के लिए एक फ्लैट दे देते हैं। लेकिन इनका आना जाना, अपना परिवार होने के बावजूद लगातार इनका आना जाना इस महिला के साथ बना रहता है। इसके फ्लैट पे डेली लगभग इनका आना जाना होता है। मामले की भनक इनकी पत्नी को लगती है तो मामला तूल पकड़ता है और दोनों महिलाओं में आपस में झगड़ा हो जाता है। ऐसे में परेशान पति आखिरकार दोनों महिलाओं में से एक को, यानी कि इस नेपाली मूल की महिला को, ठिकाने लगाने की योजना बनाता है और योजनाबद्ध तरीके से उसको लॉन्ग ड्राइव पर चलने को कहता है। लॉन्ग ड्राइव के नाम पर पहले एक क्लब में शराब पिलाता है और उसके बाद राजपुर से रायपुर की ओर लेके जाता है, थानो रोड के पास। जहाँ इसको जगह मिलती है तो युवती को नशे में धुत करके, उस पर हथौड़े के वार करके जहाँ जगह मिलती है वहाँ इसकी लाश फेंक देता है और वहाँ इसके खून में सने हुए कपड़े अपनी गाड़ी में छुपा कर वहाँ से चला जाता है। 24 घंटे के अंदर तहकीकात होती है, पुलिस पूरे मामले की छानबीन करती है और इस इंसान को, इस आरोपी को पकड़ लेती है। इसके बाद ये पूरा मामला खुलता है। तो लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में इस तरह के मामले हो रहे हैं, प्रेम प्रसंग में महिलाओं को, युवतियों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, हमारा आज यही एक मैसेज है आपको, हमारा सामने आने का एक यही उद्देश्य है कि प्लीज़ प्रेम प्रसंगों से इतर अपनी जान के बारे में सोचिए। कभी किसी के पीछे इस तरह से मत पड़िए, कभी किसी पर इतना विश्वास मत करिए कि वो आपकी जान का दुश्मन बन जाए। इससे पहले ही इन सब चीज़ों से दूर होके प्लीज़ अपने आप पे, अपनी खुशियों पे, अपने करियर पे फोकस करें और उन ऊंचाइयों पे पहुँचे जहाँ तक ऐसे लोग आपको छू भी ना सके। क्या कहना है आप सबका इस तरह की घटनाओं पे जो हमारे उत्तराखंड को लगातार शर्मसार कर रही है? प्लीज़ उत्तराखंड की नौनी के कमेंट बॉक्स पे ये ज़रूर लिखें। बने रहिए इस तरह की कुछ अजीबोगरीब और कुछ अच्छी घटनाक्रम, कुछ अच्छी खबरों के लिए उत्तराखंड की नौनी के साथ। धन्यवाद।